ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। मैं चाहूंगा कि ऐसी मतलब ऐसे इवेंट हर मतलब शहर पे होने चाहिए, छोटे छोटे इस पे मतलब छोटे छोटे हमारे शहर बढ़ते हैं और गांव पड़ते हैं वहाँ होने चाहिए, ताकि सारा हमारा हिमाचल डेवलप हो और टूरिस्ट हमारे हिमाचल पे आए। एक तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि नशे जो नशा बेचते हैं उन पे मतलब एक चिकित्सा कसा जाए। मतलब नशा करना तो आप स्पोर्ट्स का नशा करिए, जिससे मतलब आपके माता पिता भी प्राउड फील कर सके। सरकार पे अगर डिपेंड होंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि सरकार कुछ करेंगी तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने अपने जो युवा को नशे से दूर रखना है तो सबसे अच्छा हथियार एक ही है, स्पोर्ट्स कराओ। मैं आज हिमाचल आया, बहुत ही मेरे को अच्छा लगा है, क्योंकि हम दूसरे स्टेट में देखते हैं कि बड़ी मतलब एक एक्टिविटी होती है, स्पोर्ट्स होती है, लेकिन जो हिमाचल में कम इवेंट होते हैं, पर लेकिन जो आज मैं इवेंट पे देख रहा हूँ, एनर्जी देख रहा हूँ और बहुत ही एक एक्साइटेड लोग है। सो मैं इसलिए मतलब मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है और मैं चाहूंगा कि ऐसी मतलब ऐसे इवेंट हर मतलब शहर पे होने चाहिए, छोटे छोटे इस पे मतलब छोटे छोटे हमारे शहर बढ़ते हैं और गांव पड़ते हैं वहाँ होने चाहिए। तो उससे क्या है कि हमारा एक तो गांव भी डेवलपमेंट हो जाएगा, रेवेन्यू आएगा स्टेट के लिए और हमारा जो जैसे पहले ही मशहूर है हिमाचल एक टूरिस्ट के लिए, ताकि और मशहूर हो कि भी मतलब जो मैं बोलता हूँ कि पूरा जो बटन है, एक शिमला छोटा सा शिमला उस पे बटन पड़ता है, इतना टूरिस्ट आता है। जब अलग अलग जगह ऐसे अलग अलग जगह पे ऐसे कोई टूरिस्ट प्लेस बने होंगे तो ताकि वो डिवाइड हुए और ताकि सारा हमारा हिमाचल डेवलप हुए और टूरिस्ट हमारे हिमाचल पे आए। बिल्कुल इसको नशे को खत्म करना चाहिए। और मैं दूसरा बताऊंगा कि भी एक तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि नशे जो नशा बेचते हैं उन पे मतलब एक चिकित्सा कसा जाए। मतलब और दूसरा जो युवा है उनको भी रखना चाहिए ध्यान कि भी जो नशे से ज्यादा मतलब एक अच्छा नहीं दिखता, पूरी दिखता, मतलब वो बिल्कुल बेवकूफ दिखता है। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि भी आप नशा ना करें दोस्तों, आप नशा करके बेवकूफ लगते हैं। और आप नशा करना तो आप स्पोर्ट्स का नशा करिए, जिससे मतलब आपके माता पिता भी प्राउड फील कर सके, पूरा हमारा हिमाचल प्राउड कर सके आप लोगों पर। अभी उसकी जगह देख रहे हैं हम, अगर जगह मेरे को मिलेगी कहीं बढ़िया सी जहाँ पर पूरे हिमाचल के युवा आ सके, जब सीख सके, तो वो जगह को देख रहे हैं मतलब कि कहाँ मतलब, क्योंकि मतलब हर जगह तो खोली नहीं जाती। पंजाब है मेरी मतलब, हरियाणा में है और जो हिमाचल पे है, अभी मैं उसके लिए जगह देख रहा हूँ ताकि मतलब यहाँ पर भी रेसलिंग को सिखाया जा सके। देखो सरकार पे अगर डिपेंड होंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि सरकार कुछ करेंगी तो ऐसा कुछ नहीं है। सरकार की तो और भी जिम्मेदारी बहुत सारी है। और मैं चाहूंगा कि जो जैसे भाई साहब देखो आप, यहाँ देखो आप, इनकी कोई सरकार कोई जिम्मेदारी ये कर रहे है कोई, मतलब ये खुद अपने बलबूते पे कर रहे हैं। सो अगर सरकार के इस पे रहेंगे तो कभी आप स्पोर्ट्स नहीं कर पाएंगे। ये तो अपने पे कुछ जज्बा होना चाहिए। सरकार करे तो बहुत अच्छा, ना करे तब भी मतलब आपको ये निराश नहीं होना चाहिए। अगर मेरे को बोले कि सरकार ने मेरे को WWE पे भेजा है ना, खुद भी एक जुनून होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए कि मैं ये काम करना है, तो सरकार ये सब चीजें पीछे छूट जाती है। हम तो चाहते हैं कि आप हिमाचल के जो युवा है वो यहाँ पर जो स्पोर्ट्समैन है उनको नौकरी दी जाए और उनको ग्राउंड बनाए जाए अच्छे, और यहाँ इवेंट हुए, ताकि मतलब यहाँ पर जो युवा है, अगर आपने अपने जो युवा को नशे से दूर रखना है तो सबसे अच्छा हथियार एक ही है, स्पोर्ट्स कराओ। ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स कराएंगे, मेडल लाएंगे, जो मेडल लाएंगे उनको जॉब देंगे। ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्समैन है जो यहाँ से पंजाब जाते हैं, दूसरे स्टेट पे जाते हैं, रेलवे पे जाते हैं, पर लेकिन यहाँ पर उनको जॉब नहीं मिलती। तो मैं चाहूंगा कि जो हिमाचल के लड़के हैं उनको हिमाचल पे जॉब मिले और यहाँ पर, ताकि वो अपने स्टेट पे रहे मतलब।
मैं भी उदाहरण हूँ, अगर मतलब यहाँ पर अपॉर्चुनिटी होती मैं यहाँ जॉब करता, इसलिए मैं पंजाब गया, पंजाब से मैं अमेरिका चला गया। तो मतलब किसी पे ये डिपेंड नहीं होना चाहिए मतलब।